संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई बैठक, शाम 6:30 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। पीएम मोदी ने दिल्ली के एम्स जाकर ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। पीएम ने कहा, वैक्सीनेशन वायरस को हराने का तरीका। चुनावी रैलियों में मास्क जरूरी करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। देश में कोरोना विस्फोट जारी, 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा नए केसेस, 685 लोगों की मौत, एक्टिव केस की संख्या 9,00,000 के पार। कोरोना वैक्सीन की कमी पर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में तकरार तेज, शिवसेना का आरोप, राज्य को नीचा और बदनाम करने की साजिश हो रही है। महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की, महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की के कोशिश चल रही है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र के कोरोना संकट पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान, बोले लॉकडाउन से किसानों और व्यापारियों को परेशानी, लेकिन कठोर नियम के बिना कोरोना को रोकना मुश्किल। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार सतर्क, सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी इमरजेंसी सेवाओं को दी गई छूट। एमपी में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सरकार का सख्त कदम, आज से सभी नगरीय क्षेत्रों में रोजाना नाइट कर्फ्यू और हर रविवार को लॉकडाउन का ऐलान। छिंदवाड़ा में आज रात 8 बजे से 7 दिन का टोटल लॉकडाउन। एमपी हाईकोर्ट में 24 अप्रैल तक नहीं होगी फिजिकल सुनवाई, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में वर्चुअल सुनवाई के आदेश जारी, कोरोना के बढ़ते कहर के कारण चीफ जस्टिस का फैसला। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में मरीजों की संख्या 10,000 के पार, 24 घंटे में मिले 10,310 नए केस। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच 10 दिन के लिए लॉक होगा रायपुर, 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ से राजस्थान और उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को कराना होगा कोरोना टेस्ट, सफर करने से 72 घंटे पहले नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी, बिना टेस्ट वालों को 15 दिन होम क्वारंटीन। आईआईटी रुड़की के 88 छात्र कोरोना संक्रमण का शिकार, सभी का कैंपस में इलाज जारी, 5 हॉस्टल सील, 1 छात्रा सहारनपुर में कोरोना पॉजिटिव। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन के चलते पलायन, दिल्ली से दिखा मजदूरों का पलायन। पुणे में भी पलायन की तस्वीर, पिछले कुछ दिनों से प्रवासी मजदूरों के लौटने की संख्या बढ़ी। पटना एम्स में 4 डॉक्टर और 4 नर्स कोरोना पॉजिटिव, एम्स के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव ने जानकारी दी। पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने किया प्रदर्शन, कोरोना के चलते स्कूल बंद करने का विरोध, 12 अप्रैल से स्कूल खोलने का ऐलान। 11 अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में लग सकेगी कोरोना वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी। भारत में कोरोना विस्फोट से विदेश में बढ़ी चिंता, न्यूजीलैंड ने 17 दिन के लिए भारतीय यात्रियों के आने पर लगाया बैन। न्यूयॉर्क में कोरोना वैक्सीन के लिए पहला चलता फिरता क्लिनिक, जरूरतमंद लोगों को दी जा रही है वैक्सीन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के हुगली में की जनसभा, ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा सीएए विरोधी टीएमसी के वोट बैंक दीदी उन्हें कभी नहीं भगाएगी। हमने दंगाइयों में वोट बैंक नहीं देखा, हमने दंगाई को दंगाई माना और उसने जितनी संपत्ति का नुकसान किया उस संपत्ति की भरपाई उससे की, उसने नहीं की तो उसके पोस्टर लगाए और फिर उसकी संपत्ति को जब्त करके नीलाम करके उसकी भरपाई करने का काम भी किया। धर्म के आधार पर वोट मांगने पर चुनाव आयोग का ममता को नोटिस, आयोग ने 48 घंटे में मांगा जवाब, बीजेपी ने शिकायत की थी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला, हाथ में लगी चोट, कई कार्यकर्ता घायल, टीएमसी पर हमले का आरोप। वसूली कांड पर महाराष्ट्र से दिल्ली तक हंगामा, सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर होगी सुनवाई, सीबीआई जांच के खिलाफ दी है अर्जी। महाराष्ट्र सरकार वसूली कांड में पवार की बढ़ सकती है मुश्किलें, सचिन वचन ने अपने बयान में पवार का लिया नाम, कहा पवार को मनाने के लिए देशमुख ने मांगे थे पैसे।
सचिन वाजे को जेजे अस्पताल लेकर आई एनआईए। सीने में दर्द की शिकायत के बाद जांच कल अदालत में लिखी चिट्ठी में किए गए थे कई विस्फोटक खुलासे। लालू यादव ने बेल के लिए फिर खटखटाया।